बांदा जनपद के खंड विकास बबेरू के अंतर्गत ग्राम पंचायत अरमार के रहदर तालाब को मॉडल अमृत सरोवर बना रही है। मॉडल तालाब अमृत सरोवर निर्माण में 12 फरवरी 2023 से लगातार जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से खुदाई की जा रही है। ग्राम पंचायत अरमार ने एक कार्य स्थल पर दो पृथक नामों से कार्य के लिए विभागीय अनुमति ली है। वहीं रहदर तालाब खुदाई और घाट निर्माण कार्य में जेसीबी द्वारा की गई खुदाई कार्य का फर्जी मजदूरों के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत फर्जी भुगतान कराने की योजना के साथ कार्य करा रही है। ग्राम पंचायत अरमार ने फर्जी मजदूरों का गैंग बना लिया है। वहीं रैंप और वॉल बाउंड्री मोरम की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। एक तरफ मजदूरों के हक में सरेआम डाका डाला जा रहा है तो दूसरी तरफ डस्ट का उपयोग करके धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। वहीं रैंप एवं वॉल बाउंड्री निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 3 माह से मजदूरी न मिलने का रोना रो रहे हैं। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव से बात की गई तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर करना है भविष्य को सुरक्षित तो आइए वन स्टेप ऑलवेज ए स्टेप अहेड शाहबाद का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान जो है वन स्टेप। हमारे यहाँ SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस से संबंधित तैयारियाँ कराई जाती हैं। हमारा पता है KG रोड नवादा आरा। डायरेक्टर प्रेम कुमार सिंह। हेलो हेलो नमस्ते भैया। नमस्ते शिवलास शर्मा बोल रहा हूँ। अरे ये पहचान है काहे पैसे दे रहे हैं। ये कहना है हाँ भैया कि अरमार गांव आप देख रहे हैं क्या? हाँ भैया अरमार हम देख रहे हैं बताइए। अच्छा ये अमृत सरोवर तालाब का निर्माण हो रहा है। हाँ और तालाब की खुदाई हो रही है। हाँ तो क्या जेसीबी से खुदाई कराने का आदेश है क्या? भैया उसमें जो उसका जो एस्टीमेट है ना हाँ उसमें और राजवित से भी है। हाँ हाँ तो ये अमृत सरोवर में दो एस्टीमेट कैसे बने? नहीं ये खुदाई का है एक क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं जैसे उसमें पशु घाट मानव घाट वगैरह ना दो एस्टीमेट है। हाँ हाँ तो इस हिसाब से काम चल रहा है तो जेसीबी से खुदाई कराने की प्रावधान है। हाँ एस्टीमेट में जो राजवित होता है ना हाँ इससे करा से नरेगा के तहत तो अगर है तो लेबर खुदाएंगे। अच्छा राजविद्यालय में जेसीबी से है तालाब की खुदाई और नरेगा से जो खुदाई होगी वो लेबर से। तो अभी जो खुदाई चल रही है तो राजविद से चल रही है। हाँ राजविद तो राजविद का पेमेंट होगा। अच्छा राजविद से पेमेंट होगा। हाँ हाँ शिकायत हमारे पास भी आई थी हमने देखा हम कहते थे कोई बात नहीं सर जवाब देंगे। अच्छा हाँ बाकी यही बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो ये सीढ़ी रैंप वगैरह सब बन रही है हाँ तो क्या डस्ट से निर्माण कराने का मानक है क्या इसमें? कैसे भैया डस्ट से नहीं ट्रस्ट नहीं ये भी क्या कहते हैं इसमें भी क्या लेबर ऐसा लगेगा तो बाकी ये सब राजवित से और नहीं वो राजवित से हो रहा है जैसा मोरम का एक भी प्रयोग नहीं हो रहा सिर्फ डस्ट से निर्माण कराया जा रहा है। डस्ट से हाँ पूरी डस्ट एक भी मोरम का उपयोग नहीं है डस्ट पूरी लगी है जो रैंप बनी है जो दीवार बन रही है पूरी डस्ट से निर्माण हो रहा है तो क्या डस्ट से का मानक है क्या उसमें? नहीं भैया मैं इधर भी इधर दो चार दिन इधर मैं गया था मोरम मुन्ना सप्लायर जहाँ मोरम जा रही थी मैं स्टूडियो की नहीं मैं मौके बता इधर मैं चीज नहीं बता सकता। नहीं जितनी भी दीवार बनी है एक भी कहीं मोरम उपयोग नहीं हुई है पूरी डस्ट से निर्माण हुई रैंप भी बनी है पूरी डस्ट से बनी है और डस्ट से पूरा काम चालू है। भैया मेरा दो चार दिन नहीं बता बाकी मैं गया था तो मोरम चल रही थी मोरम था बोल्डर था मैं मौके पर था मैं दो चार दिन नहीं बता सकता। मैं मोरम तो कहीं उपयोग है नहीं मुझे देखिए इधर दो चार दिन नहीं इधर बता नहीं सकते भी करा रहा हूँ प्रधान अगर हम इसका पता कराते हैं ठीक है इसमें मैं जानकारी लेता हूँ। नहीं जैसा डस्ट से निर्माण हुआ है तो उसमें क्या डस्ट का ही भुगतान होगा? हाँ तो उसकी क्वालिटी में हो जाएगी लेकिन थोड़ा मैं इसको पता करता है तो इसको मैं रोकवाऊंगा ना इधर नहीं हो पाएगा हम लोग तो आवाज डिस्टर्ब थे नहीं अमृत सरोवर का ये कितने लगभग लागत का पूरा दोनों एस्टीमेट है एक आप हैं काम
मैं तो इस समय बबेरू में हूँ। तो मुझे आमने सामने बात करेंगे। नहीं, मिलने से काम में थोड़ा जानकारी चाहता हूँ। ये है लगभग 37 लाख का। 37 लाख का दोनों इस्टीमेट में। खुदाई वाला इधर में नहीं याद है। नहीं, राजवित से कितना है इस्टीमेट खुदाई का? अब ये इस्टीमेट देखने पता चलेगा। अच्छा, आपको मालूम नहीं? हाँ, ये 37 लाख है, उसमें कितना जितनी खुदाई किए हैं 3-4 लाख से कम किए नहीं होंगे। 3-4 लाख से कम का होगा नहीं जहाँ खुदाई की बात है। बाकी लेबर रहेगा सर, है मुझे पता कर आता होती है, ऐसी बात है तत्काल पता कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। यहाँ क्या करती हो? यहाँ नरेगा काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा। कई महीने से काम कर रही हूँ? 3 महीना लग है। क्या करती हो यहाँ? यहाँ पत्थर ढोई था, ईंट बालू ढोई था और सब ढोई थे, हमारा पैसा नहीं मिल रहा। 50-60 आदमी लग रहा था, ये को पैसा नहीं, बंद कर दे। नहीं, प्रधान तो कह रहा है कि जय पैसा आ जाएगा तो सबको दिया जाएगा। बांदा से शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट।